इसीलिए आंदोलन फिर से होगा, ऐसा नहीं है। किसान हिंदू है और बीजेपी के साथ है। किसने बोला आपको किसान हिंदू है? किसने बोला? या देश का किसान हिंदू बोलिए, मीडिया क्या करता है? आराम से सुन लेंगे। देखिए हमने पूरी मेहनत की, हमने पूरी अच्छा आपके समर्थक कह रहे हैं गोदी मीडिया वाला गोदी मीडिया है। देखिए यहाँ पर जितने लोग आए सभी सम्मानित हैं, आप आए सभी हमारे। नहीं नहीं, गोदी मीडिया कौन है नाम बताइए। आपको पता पूरे देश का जो घन चक्कर की तरह घूम रहे हैं ना, वो गोदी मीडिया पूरे देश को पता है। जब उन पे एक पत्रकार को खरीदा नहीं गया तो उन्होंने चैनल खरीद लिया, लेकिन उनकी औकात नहीं थी कि ऐसे नोटों से उस पत्रकार रवीश कुमार जी को खरीद सके, तो वो है उन्होंने पूरा सिस्टम को गोदी मीडिया बना दिया। अजय बताइए आपकी रैली, अरे सुने ना आपकी रैली थी, एक भी टीवी अखबार वाला नहीं है। सुनिए अब एक बात बताइए, यही तो दुर्भाग्य देश का कि इस पूरे चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो देश का मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है ये आप सरकार से पूछो, मीडिया से पूछो ना। पूनम जी, किसानों ने आंदोलन किया, धरना दिया, सोशल मीडिया, बीजेपी जीत कैसे रही है? किसान उसके साथ है। किसान अगर उसके साथ होता तो वो लखीमपुर कांड पर इतने प्रचंड वो नहीं नाचते, हमारे यहाँ पर लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं जो इन्होंने काम किया। दूसरी बात, हमारी हिमाचल में सरकार बनी और वहाँ के लोगों ने समझा, और ये जो नया नया भी उभरा है शुतुरमुर्ग, हम आम आदमी है, हम कोई वो नहीं लेंगे सुविधाएं सरकार से, हम गाड़ियों में नहीं घूमेंगे। ये जो शुतुरमुर्ग नए नए पैदा हुए हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस को, आप चाहते हैं कांग्रेस रहे और कोई पार्टी नहीं रहे। हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष देश में दोनों ही रहे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना भी जरूरी है। 2014 में युवाओं ने, किसानों ने सत्ता परिवर्तन किया, जनता फिर से मोदी जी से कैसे लड़ेंगे 2024 में? है कोई प्लान बताइए। डंडे लेके नहीं लड़ेंगे, हमारे पास प्लान है, हमारे पास युवा इतना बेरोजगार है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इतना कर्जमंद हो गया। 2014 के बाद के रिकॉर्ड निकाले ना, कितनी बेटियों ने आत्महत्या की, कितने किसानों ने आत्महत्या की और कितने बलात्कार हुए देश। मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, मुझे भी पता है। G20 के हेड हो गए, देश बेचने में जवाब तो देने दो, सारा देश बेच दिया, वोट नहीं करते। राहुल जी के बारे में कह रहा है कि बीजेपी मोदी जी के डर से राहुल जी चुनाव से अब नक्की कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से सुनिए, और ये बात मेरी नरेंद्र मोदी जी तक, गृह मंत्री जो है ना, जिनको बात करने का लहजा नहीं पता है, उन तक ये मेरी बात पहुंचा देना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी की इतनी औकात है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी से नजरें मिला करके बात करें और 25 किलोमीटर डेली यात्रा में चल करके दिखाए। अगर उनकी इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बॉडी बना रहे, क्यों नहीं करेंगे? पहले से ही बनी हुई है, मतलब सबको पता है हमारे युवा नेता ना। देखिए देश में एक बाबा भी आए थे, योग करो योग करो, तो योग करना चालू किया, उन्होंने बिजनेस करना चालू करा, आज तक वो योग करने बोल दो ना यार, एक एक करके आप ही बोल लो, आप ही नेता बोल रही है भाई। विकास को जनता पसंद करे, विकास की विकास क्या है? विकास छठी क्लास में पढ़ के भी फेल होगा, दुनिया को पता है, चली देश का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये समझ रहे? युवा आंदोलन करता इसी जंतर मंतर पर अग्निपथ के प्रभावित होकर के लड़कों ने आत्महत्या करी, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, ये इतिहास है। हर हर काम में याद मोदी जी का, ये भी इतिहास है कि पहली बार रात के अंधेरे में बेटी का बलात्कार होगा। आप लोग पाकिस्तान से पैसा लेती है और जनता को भड़काती है, आपके पास ये कैसे इंक्वायरी पहुंची? दूसरी बात, अगर आपके पास पहुंची तो सबसे पहले आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है जो किसान इस तरीके की बातें किसानों के लिए बोला जा रहा है, क्या कर रही है फिर तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? वो तो जांच चल रही है ना सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ, हमें अपने अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो पर कोई शक नहीं है। दूसरी बात, लेकिन हमें इन इस तरीके की बातों से बहुत बड़ी तकलीफ है।
हद से ज्यादा। आपको कैसे पता? मैं पूछना चाहती हूँ नेशनल दस्तक के जो हमारे शंभू जी हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मैं बहुत दिनों से आपको जानती हूँ और वैसे भी पहले से आपको सुनती हुई हूँ। मेरी भतीजी का आपने इंटरव्यू लिया तो आप उसको बोल रहे थे कि पूनम पंडित की बहन लग रही हो, तो वो बोलती है नहीं मेरी बुआ जी है। तो मैं आपको बहुत पहले से सुनती हूँ, आप बताइए आपके पास कैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन है? इसका मतलब कि आपके तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जो उन्होंने आपको बताया है, बताया ना आपको, तो इसका मतलब आपके तार जुड़े हैं। इससे बड़ी आपकी जांच होनी चाहिए, जो टीवी पे बैठ करके बोल रहे हैं ये बड़े बड़े मंत्री तंत्री, इनकी जांच होनी चाहिए। यही तो बोलते हैं, तभी तो उनकी बातें हमें बताते हैं। गुजरात में आपने देखा भी होगा, वहाँ के जो लोग हैं इन्होंने पूरा सिस्टम, अभी देखिए गुजरात हार जीत का मुद्दा नहीं रह गया, गुजरात ये भी मुद्दा रह गया, सबसे ज्यादा पोरबंदर ओपे नशे का पदार्थ कहाँ मिला गुजरात में, सबसे ज्यादा 2000 के नोट कहाँ मिल रहे गुजरात में, सारा सिस्टम देश का ले जाकर कहाँ लगा रहे गुजरात में। तो कुछ तो वो लोग देख रहे हैं ना जो इनको मैनेज करते हैं, जनता को बोली वाली को फंसा लेते हैं। गुजरात में चुनाव के बावजूद बलात्कारियों को छोड़ने वाली बेटी गृह राज्य से आती है मोदी जी के, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों छोड़ा बलात्कारियों को, क्यों मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी का बलात्कार हो जाते हैं, लखीमपुर कांड और अय्या उन्नाव कैसे कांड, कोई बोलता है नहीं। एक एक महिला बड़ा संसद, आप लोग भी तो श्रद्धा पर नहीं बोलती है, टुकड़े टुकड़े 35 किसने बोला, हमने बोला। मैं आज भी खुले मंच पर कहती हूँ जो श्रद्धा के साथ में हुआ ये बहुत घिनौना काम था, मैं इसकी निंदा करती हूँ, और जो श्रद्धा का कातिल आफताब उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो खुले मंच पे बोल रही हूँ, और सबसे पहले मैंने अपने उस पे सोशल मीडिया के अकाउंट पे बोला, अब कैसे कह रहे हैं कि नहीं बोला। अच्छा, किसानों का क्या लगता है, आय दुगनी करने का वादा किया, ये सब बहुत दिन से कह रहे हैं, हो गया डबल हो गया किसानों की आय, हाथ उठवा लीजिए। सुनिए, देश का किसान शेर पालेंगे तो खर्चा नहीं उठाएंगे, मोदी जी शेर है, चीन का अपराध, पाकिस्तान का अपराध। अगर हम शेर अगर शेर को पालते तो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन कुत्ते को लीपा पोती करते हैं ना उसका ज्यादा खर्चा होता है, समझ रहे हैं आप बात को? आप बहुत प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नहीं बोला मैंने, आपके शेर वाली बात का जवाब दिया है, अब आप इसको काट के चलाओ पीट के चलाओ, मेरा लड़का भी वीडियो बना रहा है। मैंने ये बोला कि आप शेर की कह रहे हैं बात, अगर शेर को हम पालते तो इतना महंगा नहीं पड़ता। पूरा हिंदू समाज बीजेपी के साथ है, देखिए हिंदू समाज उसमें भी ब्राह्मण समाज तो पूरी तरह के साथ है। मैं आज इस खुले मंच पर पूनम पंडित दिग्भ्रमित हो गई है, सुनिए आज मैं इस बड़े मंच पर आप सभी के सामने बोल रही हूँ कि पूरा हिंदू होगा उनके साथ, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। मैं सनातन धर्म से आती हूँ, ब्राह्मण जाति से आती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म सनातनी नहीं है। वोट दे दिया गुजरात में, वोट दे दिया, सबको पता, पूरा सिस्टम ही वहाँ लगा रखा, घर घर प्रधानों को, आपका पता है खतौली में उपचुनाव हुए, 10 वीडियो मैं दिखाऊंगी प्रधानों को घेर करके कि अरे रामपुर जीत लिया बीजेपी ने, कैसे जीत लिया, औरतों की वीडियो नहीं देखी आपने, औरतों को मारा पीटा, यहाँ पे खून निकल रहा है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको बिहार में आपकी सरकार है वहाँ जीत गई बीजेपी। देखिए मैंने आपको बताया कि मार करके पीट करके इंसान कोई झेल लेता, कोई नहीं झेल पाता। डर से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी घर से नहीं निकल रही है, बोला पूरे में तो अभी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने चुनाव जिताया, पूरी टीम लगी, पूरे के कार्यकर्ता ने हिमाचल को जिताया, आपको पता नहीं। एक सवाल और लीजिए, आप लोग इतना बड़ा बड़ा रैली करते हैं, टीवी अखबार वाला तो दिखा नहीं रहा है, आप तो दिखा रहे हैं, आप हमारे नहीं, साथ तो हम लोग तो टुटपुजिया हैं। तो किसने कहा, देश के समस्त मीडिया में सबसे ज्यादा मायने वो मीडिया रखता है मेरी नजरों में जिन्होंने देश के किसान आंदोलन को। कांग्रेस के खिलाफ मीडिया क्यों है, किसने बोला, कोई दुश्मनी है? आप किसने बोला मीडिया खिलाफ, कांग्रेस नहीं है मीडिया खिलाफ, मीडिया कांग्रेस के खिलाफ क्यों है, क्यों टीवी अखबार में? बात बताओ, फोन करके ये बोल देंगे हाँ एड नहीं देंगे हम तुमको, तुम्हारे चैनलों को, इस पत्रकार ने ये सवाल कर लिया, उस पत्रकार ने ये सवाल कर लिया, अजीत अंजुम जी, प्रसून वाजपेयी जी, अभिषार शर्मा, और अभी नया नया ताजा ताजा रविश कुमार जी, जब ये उनको खरीद नहीं पाए तो चैनल ही खरीद लिए। इतने जो लोग निकले चैनलों से क्यों निकले, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने पत्रकारिता को ईमानदारी से बचाया।